जुलूस या आंदोलन सिर्फ दो रंगकर्मियों के लिए नहीं है, ये इस बात के लिए है कि हम लोगों को अपनी आवाज उठाने का, अपनी बात कहने का हक हासिल है या नहीं है। आज जो हम लोग देख रहे हैं, ये सरकार हर मौका उठा रही है, हर चीज पे, हर बात पे हम लोगों को रिप्रेस किया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। हम लोग इस बात का यहाँ से ऐलान करें कि हम लोग किसी बात पर चुप नहीं होंगे। हम लोग, हमारे रंगकर्मी, हमारे लेखक, हमारे गीतकार, हमारे शायर, हमारे कवि सिर्फ आम आदमी की बात उठा रहे हैं, और वो आम आदमी की बात ना उठ पाए, उस बात को हम लोग सब तक ना पहुंचा पाए, यही इस सरकार की कोशिश है। अभी यहाँ से शायद ये किसी ने कहा कि हमारी सरकार ऐसा कर रही है, ये हमारी सरकार नहीं है, यकीनन ये हमारी सरकार नहीं है जो हमारी आवाज बंद कर देने की कोशिश कर रही है। ये सरकार एक बुर्जुआ सरकार है, ये वो सरकार है जो पश्चिम के कहने पर, अमेरिका के कहने पर काम कर रही है, हमारे सारे एसेट्स बेच रही है। हम लोग जब अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें कहा जाता है कि हम विद्रोही हैं, हम किसी बात को, किसी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम आंदोलन कर रहे हैं, हम ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिससे कि जनता में प्रतिरोध की भावना और प्रतिशोध की भावना बढ़ रही है। हम लोगों के लिए इस वक्त एक रास्ता सिर्फ बाकी है कि हम लोग प्रतिरोध करते रहें, हम लोग अपने गुस्से का, अपने रोष का ऐलान करते रहें, हम लोग सरकार पर ये दबाव बनाए रखें कि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।